100% यही होना चाहिए। यहाँ धूल मिट्टी खाक और पर्यावरण नुकसान तो हमें हो रहा है, और यदि बाहर का आके कोई युवा रोजगार लेता है तो सबसे पहले प्राथमिकता तो यहाँ के युवा को देना चाहिए। पूरा पश्चिमी राजस्थान के अंदर सोलर को लेकर के बहुत बड़ा काम हो रहा है, पर जो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार उनको प्राथमिकता दी जाए, साथ साथ लाइट की भी पहले हमें हमारा अधिकार यहाँ के क्षेत्र की लाइट की आपूर्ति करके फिर पूरी जगह आपूर्ति की जाए। राज्य की सबसे बड़ी संसद में भाषा की जो मर्यादा जो कार्यकाल हो उसको लेके कितना मन व्यथित होता है? बहुत मन व्यथित होता है, जो सपने लेकर के लोग हमें भेजते हैं, हमारी भाषा पर भी संयम नहीं है तो हम आज आके क्या काम करेंगे। परंतु निश्चय हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख भी है कि आने वाले जो भी जाएं वो अपनी भाषा पर मर्यादित रखें, कभी जाके उनका मान सम्मान भी होगा, उनकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। हम अपनी भाषा से ही पहचाने जाते, विद्वान की पहचान उनकी भाषा है, रूप से नहीं, धन से नहीं, बल से नहीं, विद्वान कौन है उसके भाषा शब्द निकलते तब पता चलता आदमी विद्वान है। तो यही हमारी पहचान है। मैं आशा रखूंगा कि आगे से हम सब लोग अपने नीच स्वार्थों के लिए अपने शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, हम भाषा का परमार्थ के लिए और मिलने के लिए, मिठास के लिए प्रयोग करेंगे, तब जाकर के मिलेंगे। वाणी तो वही है जो सबको मिलाती है, वाणी वही है जो सबसे बिछुड़ा भी देती है, वाणी वही है जो सिर का ताज बना देती है, वाणी वही है गधे पर चढ़ा देती है। वाणी हमारी वो हो जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े, देश का मान सम्मान बढ़े, हमारी संस्कृति का मान सम्मान बढ़े, हमारे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े। भाषा सबको बहुत पवित्र और शांति हरिवाल जैसे जानकार अनुभवी आदमी है इस तरह का बोल लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। तो यदि इतने पुराने होकर के भी अभी तक यही भाषा और यही व्यवहार है तो अब परिवर्तन की आशा भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको अनुकरण करने के लिए जरूर सद्बुद्धि दे गुरु महाराज भगवान, यही प्रार्थना करता हूँ। और आने वाली पीढ़ियों को कहूँगा कि आप लोग अनुकरण करें, अपने आदर्श अच्छे लोगों को बनाएं जिससे आपकी भाषा अच्छी बनी रहे। थोड़ी देर पहले श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोलर कंपनियों के लिए कहा है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले, आपका क्या कहना है? बिल्कुल 100% यही होना चाहिए। यहाँ धूल मिट्टी खाक और पर्यावरण नुकसान तो हमें हो रहा है, और यदि बाहर का आके कोई युवा रोजगार लेता है तो सबसे पहले प्राथमिकता तो यहाँ के युवा को देना चाहिए, योग्य है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद सब आए उनका स्वागत है। आपके द्वारा भी मांग रखी जाएगी? हाँ, बिल्कुल, हमारी सबकी एक ही मांग है। पूरा पश्चिमी राजस्थान के अंदर सोलर को लेकर के बहुत बड़ा काम हो रहा है, पर जो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार उनको प्राथमिकता दी जाए, साथ साथ लाइट की भी पहले हमें हमारा अधिकार यहाँ के क्षेत्र की लाइट की आपूर्ति करके फिर पूरी जगह आपूर्ति की जाए।